दोस्तों कैसे हो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को LDR सेंसर के बिना एक लाइट कंट्रोलिंग सर्किट को बनाकर दिखाने वाला हूँ। देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है और इस सर्किट में यह खास बात है कि मैंने इस सर्किट में कोई भी LDR सेंसर का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि देखिए फ्रेंड LDR सेंसर और किसी के पास नहीं होता है, इसलिए मैंने बिना LDR सेंसर की मैंने इस सर्किट को बना दिया। तो कैसे बनाया उसे जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स उस सर्किट को बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैंने BC547 का 2 ट्रांजिस्टर को ले लिया। देखिए उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि येलो या एक वाइट LED को ले लेना है, येलो या वाइट। और उसके बाद एक बाजार को ले लेना है और किसी भी कलर का, और एक LED को ले लेना है और एक मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी या 3 वोल्ट का किसी भी बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हो ले लेना है। तो कुछ इस प्रकार सर्किट बनाना है जैसे मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में, ऐसा ही सर्किट को बना लेना है। अगर सर्किट समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका डायग्राम जो है सर्किट डायग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप इस डायग्राम को देख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स हमारा सर्किट लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये येलो जो LED मैंने लगाया वो हमारा लाइट को रिसीव करेगा और दूसरा वाला जो LED लगाया वो इंडिकेट करेगा, मतलब ये लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, आपको समझ में आए इसलिए मैंने दूसरा LED का इस्तेमाल किया, क्योंकि इंडिकेट भी करेगा बाजार भी बचेगा इसलिए। ये देखिए तो हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट हो चुका है, देखिए आप देख सकते हो। तो इस सर्किट कैसे काम करेगा देखिए, इसके ऊपर जब लाइट गिरेगा ना तो एक सिग्नल आउटपुट करेगा। ये देखिए देखिए हमारा जो LDR जो सेंसर होता है ना वो बहुत कम लाइट से काम कर जाता है, लेकिन ये बहुत कम लाइट से काम नहीं करेगा, मतलब थोड़ा सा रोशनी ज़्यादा होना पड़ेगा। ये देखिए जैसे आप उससे बहुत सारे प्रोजेक्ट को आप बना सकते हो, ये आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। जैसे कि आप लाइट से रिलेटेड कुछ किसी भी आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो इस सर्किट का इस्तेमाल करके आप बना सकते हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे बन जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो अगर आपका देखकर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखना। और मेरे चैनल पर बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज है, उसे देख कर शायद आपको कुछ सीखने को मिले, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विजिट करके और भी बहुत सारे वीडियोज है वो वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।